रंजन फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने सेक्रेट ऑफ 4H इन नेटवर्क मार्केटिंग, सेक्रेट ऑफ 4H इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। तो कम टू द टॉपिक पे आते हैं। आज का है सेक्रेट ऑफ 4H इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहली जो एच है वो है आपका ओनर। ओनर का मतलब होता है सम्मान। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बात याद रखिए, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो आपका कंपनी का मालिक हो, सबको एक दूसरे के सम्मान की जरूरत है और सबके अपने अपने जगह पे इज्जत है। आप एक एसोसिएट, एक छोटे एसोसिएट से जब एक अपलाइन मिल रहा होता है तो वो एसोसिएट का भी उम्मीद ये होता है कि मेरी अपलाइन मेरे को सम्मान भरी निगाहों से देखे और सम्मान भरी निगाहों से बात करे। तो ये ऑनर जो है, ऑनर की बात मैं कर रहा हूँ, ऑनर ये बहुत अहम मुद्दा है। और लेकिन अक्सर होता क्या है, उल्टा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब हम कुछ बड़े लेवल पे, देखिए जब छोटे होते तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सबको इज्जत करते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं मतलब थोड़ी अचीवमेंट आ जाती है तो हम जो सम्मान है ना उसको बहुत दूसरे तरीके से लगते हैं और हम बन जाते हैं डिक्टेटर, शासक बन जाते हैं और शासक के तरीके से देखते हैं। जिस दिन आपके अंदर में शासक की एक क्वालिटी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आती है उस दिन से आपका पतन होना शुरू होता है, आपके एकक लोग धीरे धीरे आपको छोड़ना शुरू करते हैं। तो यह चीज आज से दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें इसका बहुत ख्याल रखना है ओनर का। और वो हम जब कंपनी के मालिक से भी बात कर रहे होते हैं ना, जब कंपनी छोटी होती है, जब आप छोटी कंपनी में ज्वाइन करके बड़ा होता है कंपनी, तो बड़ा होने के बाद ना उस कंपनी के मालिक के अंदर में भी ये चीज आ जाता है, वो भी अपने डाउनलाइन को, उस डाउनलाइन को जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा था, उस अपलाइन को जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा था, उसको भी वो सम्मान करना भूल जाते हैं कि इज्जत क्या देना होगा। और अक्सर सबके सामने नहीं, अकेले में उनको एहसास करा देते कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तो याद रखिए साहब, सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं इस व्यवसाय के अंदर में। अगर आप एसोसिएट से दुश्मनी कर लेंगे और अपलाइन अगर कंपनी से दुश्मनी कर गया, या कंपनी का ओनर अपने एसोसिएट से दुश्मनी कर लेगा, चलेगा कोई नहीं, चलेगा कोई नहीं। अगर चलना है तो हर किसी को एक दूसरे का इज्जत करना होगा, हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो आज इस पहले टॉपिक से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। दूसरा टॉपिक क्या है, एच स्टैंड फॉर ह्यूमर। यह भी बहुत अहम मुद्दा है नेटवर्क मार्केटिंग में। अक्सर जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं पहले ही दिनों से, वो 100% परफेक्ट नहीं होते। 100% परफेक्ट बनाने की जिम्मेवारी हमारी होती है और ये जिम्मेवारी अचानक नहीं आती है। आप याद करिए इस बात को, जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे होते और ला रहे होते इस बिजनेस में, तो आप कहते हैं यार मैं तुम्हें एक बेहतरीन लीडर बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत है। जब आप ये बात बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारी चीज सिखाऊंगा, तो सारी चीज सिखाने के बाद आप ये क्यों सोच लेते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी। आपके टीम में अगर आपका एक भी डाउनलाइन कुछ भी गलतियां कर रहा है, या कुछ भी बढ़िया कर रहा है और कुछ भी अच्छा कर रहा है, या फिर कुछ भी खराब कर रहा है, बढ़िया कर रहा है तो अच्छी बात है, खराब कर रहा है तो आप याद रखिए कि उसका मजाक नहीं बनाइए, ह्यूमर मत बनाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन बिजनेस के अंदर में कई ऐसे डाउनलाइन होते हैं जो यहीं पर आके बिजनेस ना करके स्पाउस खोजते हैं, स्पाउस खोज के वो गलत रास्ते में भटक जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को उसी का धंधा समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए एक अच्छी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में जा रहे हैं तो वहां पे अच्छे से ऐश मौज कर लेंगे। हर चीज को समझने वाली बात यह है कि आप ये ह्यूमर कभी ना उड़ाएं अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक किसी का, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। अगर आप डाउनलाइन का शुरू करते हैं उड़ाना, तो याद रखिए कि वो 10 उस तरीके के डाउनलाइन, 10 डाउनलाइन मिलके इसी के अंदर में आप अपलाइन है ना, आपका मजाक बनाएंगे, आपकी मिमिक्रिंग करेंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखें कि आप ह्यूमर ना उड़ाएं किसी का। और ये जब दो टॉपिक कवर होता है तो तीसरा आता है ह्यूमनिटी का मतलब है विनम्रता। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले ही दिन से आप ह्यूमनिटी रहिए, आप विनम्र रहिए, आप जिससे भी बात करिए, जिसको भी इस बिजनेस में लाइए, ये बहुत पोलाइट होकर बिजनेस करने का है। आप जिससे भी बात करने जाएंगे, पता नहीं वो किस तेवर का इंसान है, किस तरीके का इंसान है, लेकिन अगर आप उससे विनम्र भाव में जब बात नहीं करेंगे, तो आप एक बात याद रखिए, जब आप विनम्र भाव में बात नहीं करेंगे तो आपके व्यवसाय में नहीं आएगा। और ये विनम्रता आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। वो कहावत है ना कि सर बहुत, जो पेड़ में बहुत ज्यादा फल होता है ना, वो फल हमें, वो हमेशा पेड़ झुका हुआ, और जिसमें कम फल होते हैं ना वो हमेशा टाइट रहता है। और एक और दूसरा कहावत है जो अक्सर आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं, कि अकड़न तो हमेशा मुर्दे की पहचान है, जिंदा इंसान तो हमेशा विनम्र भाव में रहता है, वो फ्लेक्सिबल होता है,
आप उसको मोड़ सकते हैं, ममोड़ सकते हैं, लेकिन मरा हुआ इंसान को आप ममोड़ नहीं सकते। अकड़न होती है। तो आप अपने अंदर में अकड़ क्यों लाएंगे? आप अपने अंदर को, अपने आप को विनम्र बनाइए, इतना हम्बल बनाइए कि एकक लोग मजबूर हो जाए। अगर आप अपलाइन है तो आपके डाउनलाइन में आने में, अगर आप डाउनलाइन है तो अपलाइन आपका फैन बन जाए। आप इतना विनम्र रहिए और ये धीरे धीरे सीखते सीखते आपके पास होगा। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से आप विनम्र, और विनम्र भी इतना ना हो कि आपको कोई शोषण करे, विनम्र भी उतना ही हो जितना जरूरत है। आप इतना ना हो जाए कि आपको सब लोग शोषण करें और आपकी बात को ही कोई ना सुने। और चौथी जो टॉपिक है, जब आप ये तीन चीज बहुत अच्छे से कवर करते हैं, पहला सम्मान देना, और दूसरा किसी का मजाक ना उड़ाएं, ह्यूमर ना उड़ाएं, और तीसरा जो है वो ये है कि आप विनम्र भाव से इस व्यवसाय के अंदर में रहें, विनम्रता के साथ करें, तो याद रखिए आप किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस के अंदर में आप सारे एक दूसरे से बहुत खुश रहेंगे, जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस। आपके पास खुशी खुद ब खुद आएगा। आपको ऐसा दिन नहीं होगा जब आप सुबह उठेंगे और आपको हंसी नहीं आपके चेहरे पर रहेगा, जब आप ये तीन भाव लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने निकलेंगे। अब इस तरीके से ध्यान ये जरूर दें कि जब आप ये तीन भाव लेकर चलेंगे तो हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जो आपको इस भाव में रहने ही नहीं देंगे, चाहे वो कुछ बोल के चाहे। याद रखिए कि आपने ये भाव क्यों सीखा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको चाहिए खुशी। हर किसी को खुश होना है, हर किसी को हैप्पी रहना है अपने लाइफ के अंदर में। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से ये चार चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और हो सकता है जो मैं चाहता था आपको देना इस सेक्रेट फोर सेक्रेट से, शायद वो आपको मिल पाया इस वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू।